हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IPF चैनल पर। आज जो है मैं कुछ टाइम से आपके जो मैसेजेस का जवाब है वो बहुत लेट देती हूँ, रात को देती हूँ। ज़्यादातर जो है वो रात को 1 बजे के बाद ही आपको मैसेजेस के आंसर देती हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं कि एक्टिविटीज़ भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं नहाने के लिए गई और एकदम से ये पलटी वगैरह मार लेते हैं, तो उसका डर रहता है कहीं ये जो है क्रॉस ना कर जाए बेड के नीचे, तो इस चीज़ का डर लगा रहता है मुझे। और अभी भी जैसे आज तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जैसे कि अभी मेरे को पीरियड भी आ गया था, तो पीरियड की वजह से मेरे को पेन भी हो रहा है काफ़ी, और बच्चों को संभालना, घर का भी काम करना। आज बल्कि अभी हस्बैंड आए थे तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आज तो खाना जो है आप घर बाहर से ही मंगवा लेना। सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर का नाश्ता कर लिया, अभी शाम के जो है 4 बजने वाले हैं। तो अभी से जो है मैं आपको अभी करंट की वीडियो डाल रही हूँ, तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं। तो पीरियड्स का अभी तो ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो मेरे को पीरियड्स आने शुरू हुए, क्योंकि मेरा ये जो फीड तो करते हैं लेकिन इतना नहीं करते हैं, मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी फीडिंग की, मैंने नहीं करवा पा रही थी, तो उसके बाद से जो था इतना नहीं मैं उनको अपना दूध दे पा रही थी, तो ऊपर का दूध ही हम इनको ज़्यादा देते थे। तो अभी जो है इनको थोड़ी बहुत हैबिट भी हो गई है, मेरा दूध जो है इतना ज़्यादा नहीं पीते थे, तो जिसकी वजह से मुझे साथ के साथ जो है वो पीरियड आने शुरू हो गए थे। और अभी भी जो है इरेगुलर्स हो रहे हैं मेरे पीरियड, रेगुलर नहीं है। जैसे पहले जो था, अगर 2 डेज़ पहले आने होते थे तो 2 डेज़ पहले ही आते थे, अभी ऐसा होता है कि कभी 7 डेज़ पहले आ रहे हैं, कभी 6 डेज़ पहले आ रहे हैं, और अभी तो जैसे 6 डेज़ का डिफरेंस था, फिर 7 डेज़ का डिफरेंस हो गया। तो अब जो है अभी मेरे को पीरियड कब आने थे तो अब 6 डेज़ की बजाय 2 डेज़ पहले आए हैं, तो मतलब कोई टाइम का पता ही नहीं चल रहा कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, और पेन मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो सबकी बॉडी जो है अपने अकॉर्डिंग ही वरी करती है। जैसे आप बोलते हो कि कुछ के सिम्टम्स ये होते हैं कि उनको पीरियड्स के जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद उनको पेन हो रहा है, कुछ ऐसे बोलते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद उनको पेन नहीं हो रहा है, तो सबकी बॉडी जो है अपने अकॉर्डिंग ही वरी करती है। अब जैसे मेरे को एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, उस वजह से मुझे ज़्यादा पेन होता है। बहुत से लोग ऐसे कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी होने के बाद पेन्स इतने नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, तब भी मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अभी भी मुझे आप मंथ के बीच में से ही पेन होना शुरू हो जाता है, 15 दिन पहले ही, पीरियड आने के 15 दिन पहले ही पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मुझे प्रेगनेंसी से पहले था, अभी वो भी मुझे प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसा ही फील हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं आया है। तो इसीलिए आप भी इस बात की टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बार बार ये कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं कि मैम मुझे पेन हो रहा है, पीरियड जैसा पेन हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं तो बहुत ज़्यादा रोने भी लग गई थी, जैसे ही मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा कर आई थी उसके बाद मुझे पेन होना शुरू हो गया था, और बार बार पेन हो रहा था, और बिल्कुल ऐसे ही लेग्स में क्रैम्प्स आ रहा था, पेट में क्रैम्प्स आ रहे थे, और बिल्कुल पीरियड जैसा लग रहा था कि बस आज ही आ जाएंगे, आज ही आ जाएंगे। मैंने उसके बाद चेक भी किया, मैंने 6 डेज से ही चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा नेगेटिव आता था, 6, 7, 8, 9, 10 डेज तक मेरा नेगेटिव आता रहा। उसके बाद 11th डे पे मैंने बस ऐसे ही, मेरा मन भी नहीं था चेक करने का, मैंने डॉक्टर को भी बोल दिया था कि नहीं मैम मुझे पीरियड आएंगे, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि देखो पीरियड आने हैं तो वो अपने टाइम पे ही आएंगे, ऐसे आपका टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। तो 11th डे पर जब मैंने चेक किया तो फिर उस दिन मेरा पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद मैं रेगुलर चेक करती थी, लेकिन मेरा 11th डे पे ही डार्क लाइन आई थी, मेरी कोई फ्रंट लाइन नहीं आई थी, मेरी एकदम डार्क लाइन आ गई थी। और उसके बाद जो है रेगुलर मैंने फिर 14th डे पर मैंने बीटा SCG चेक करवाया था, बीटा SCG जो है मेरी रेंज ठीक आ गई थी, उसमें हमारे को कुछ अंदाज़ा सा हो गया था कि आई थिंक ट्विंस हो सकते हैं, तो वो तो एम्ब्रियो पे भी डिपेंड करते कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। और थोड़ा मैंने आपको आज इसलिए ये ब्लॉग बनाया है कि मैं जो है थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है,
और थोड़ा घर का भी काम होता है, बच्चों के साथ भी काम होता है, इसीलिए बहुत कई बार वो रिक्वेस्ट भी करते हैं मुझसे कि मैम प्लीज़ आंसर दे दीजिए। मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अभी इस वक्त हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है और मैं आपका आंसर जो है कुछ टाइम बाद देती हूँ डेली। मेरे आंसर की मेरी ये रेगुलरिटी है कि मैंने आपके आंसर देने ही देने हैं, डेली देती हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब के आंसर्स देती हूँ। कुछ मुझे जिन बातों की नॉलेज नहीं होती है वो मैं बता देती हूँ कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंसर ज़रूर देती हूँ डेली। थोड़ा लेट हो जाता है तो इसी वजह से हो जाता है। और अभी भी देखिए आप दोनों बच्चों को संभालना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। घर का भी सूटकेस का सारा काम फिनिश किया है, अभी एक को सुलाया है वो भी जाग गया, उसे भी फीड कराना है, इसको फीड करा रही हूँ। तो मतलब इस तरह से जो है मेरा सुबह से लेकर तब शाम के 5 बज जाते हैं, रात हो जाती है। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरा दिन कैसे निकल जाता, मुझे पता भी नहीं चलता। सब लोग जो है मेरे को कॉल करके कहते हैं अभी जैसे आप इतना मंथ हो गया, आप तो आपके बच्चे का आज बर्थडे है, इतना मंथ हो गया, लेकिन उनके लिए तो मंथ निकल रहे हैं लेकिन मेरे लिए तो एक एक पल एक एक दिन निकल रहा है। मैं कैसे निकालती हूँ मुझे पता है, दोनों बच्चों को कैसे कैरी कर रही हूँ, कैसे संभाल रही हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं मानती हूँ कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, और मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करती हूँ कि कोई मेरा आकर काम करेगा। आज मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड हो रहा है, तब भी मैं किसी को नहीं कहती हूँ। मैं अपने आप प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी के बाद मैं आपको बोलूँ कि 1.25 महीना भी नहीं हुआ था तब से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। तो यही मैं आपको कहती हूँ कि आप भी जो है, हाँ कई बार ऐसी मुश्किल हो जाती है, जैसे मेरे साथ भी हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी के पास चली जाती थी 10-15 दिन के लिए, ज़्यादा मुझे फीलिंग होती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरा हर कदम पर हर पल साथ दिया है। IVF अगर मेरा सक्सेसफुल हुआ है तो उन्हीं की वजह से सक्सेस हुआ है, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज़ को लेकर जो है नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आने दी। मैं बहुत रोती थी, नेगेटिविटी आती थी मेरे अंदर, बट उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिविटी दी है। और मैं आप सबके हस्बैंड को भी यही कहना चाहूँगी, अपनी वाइफ का प्लीज़ साथ दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए इस चीज़ से, इस दौर से निकलने में उनकी हेल्प कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, आपसे कुछ बातें करके मुझे अच्छा लगता है कि अगर कुछ ब्लॉग अगर मैं कुछ नहीं डाल पा रही हूँ तो भी मैं आपसे कुछ बातें करूँ। तो आप मेरी फैमिली की तरह बन गए हैं, जिनसे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप मानिए कि मेरे दिमाग में एक टेंशन सी रहती थी, कुछ मतलब होते हैं ऐसे पर्सन की हमें ऐसी बातें कह देते हैं, फील होता है, लेकिन आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मुझसे सॉल्व करने करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, और अभी आज की वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको मेरी बातें कुछ भी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी सब्सक्राइब कराइए। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।